हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। सर्दियों के मौसम में बाजार में पतले छिलके के नींबू आने लगते हैं। ये नींबू का अचार डालने के लिए एकदम सही समय होता है। देखिए, नींबू का अचार डालने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। नींबू, नमक, अजवाइन, मिर्च, गरम मसाला और चीनी। चलिए शुरू करते हैं। ये नींबू है, ये वजन में करीब 2 किलो नींबू है, क्योंकि मैंने बाकी नींबू अलग से काट लिए हैं। इन नींबू को मैंने 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो के धोकर अच्छी तरह साफ करके फिर पोंछ लिया है। सबसे पहले हम नींबूओं को काटेंगे। अगर नींबू ज्यादा बड़ा है, हम 8 पीस भी कर सकते हैं, और ठीक साइज में है तो हम सिर्फ 4 पीस से काम चला लेंगे और इसके बीज हम अलग निकाल देंगे। नींबू का अचार काफी दिन में तैयार होता है। इसे तैयार होने में करीब 25 दिन से 1 महीना लग जाता है। जो नींबू बड़े साइज का हो, आपके उस आप इस तरीके से उसके 6 पीस भी कर सकते हैं। हमें इसके लिए नींबू हमेशा साफ लेने चाहिए। गले हुए नींबू या दागी नींबू हमें इसके लिए जरूरत नहीं होती। ये मैंने 2 किलो नींबू काट लिए हैं। 1 किलो नींबू में 200 ग्राम नमक लगता है। ये 400 ग्राम नमक है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। 50 ग्राम लाल मिर्चें, 100 ग्राम गरम मसाला, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम मिला देंगे। आप इसे अच्छी तरह मिला लें। ये करीब 20-25 दिन बाद थोड़ा सा गल जाएगा, तब हम इसमें चीनी डालेंगे। नींबू में वैसे तो हमेशा रसी काम का होता है, लेकिन अचार में सबसे ज्यादा टेस्ट जो होता है वो छिलके में ही होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 20-25 दिन बाद इन नींबूओं का छिलका थोड़ा गल जाएगा, तब हम इस तरीके से 5-6 नींबू लेकर उनका रस निचोड़कर इसमें और डालेंगे, और ये 400 ग्राम चीनी भी हम उसी समय इसमें डाल देंगे। और उसके बाद 1 से 1.5 महीने तक हम इन्हें रखकर बीच बीच में हिलाते रहेंगे। उसके बाद अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये नींबू का चटपटा खट्टा मीठा अचार तैयार हो जाएगा, और फिर आप इसे सब्जी से पूड़ी परांठे से जिससे चाहें उससे खा सकते हैं। आप अचार डालते समय नमक की क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अचार जो नींबू का रुकता है वो सिर्फ नमक की वजह से ही रुकता है। और सफाई का ध्यान रखें, बर्तन आपका सूखा हो, जिस जार में आप पलटे वो भी पूरी तरह से सूखा हुआ हो। जब भी आप अचार को बाहर निकालें, चम्मच भी साफ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।